नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। खबर है जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से, हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ की लाइव रिपोर्ट। जौनपुर से जहां लगातार AIMIM का कारवा रफ्तार बढ़ता नजर आ रहा है, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के लिए कुछ उलटफेर का संकेत दे रहा है। इस दौरान जनपद जौनपुर के AIMIM जिला अध्यक्ष मोहतरम इमरान बंटी के साथ साथ युवा नौजवानों समेत नए पुराने सभी उम्र के कार्यकर्ताओं का जोश देखते बन रहा था। प्रेसिडेंट इमरान जिला जौनपुर के केराकत विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम को संपन्न करने गए थे, जिस दौरान वह प्रेस वार्ता के जरिए पार्टी के नीतियों को सार्वजनिक रूप से रूबरू कराते नजर आए और कहे, हमारी पार्टी आने वाले भविष्य में अच्छा रूपरेखा लेकर के आएगा। बने रहिए हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ के साथ और देखिए आगे की लाइव रिपोर्ट। नियाज भाई कहाँ है? थोड़ा सा भाई आए। नियाज भाई कहाँ है? नियाज भाई, जौनपुर के जिला अध्यक्ष इमरान बंटी हमारे समक्ष मौजूद हैं। AIMIM के जिला अध्यक्ष हैं, AIMIM के, बहुत अजीब सा नाम है सर, बड़ा नाम है, लेने में भी समस्या होती है। सर ये बताइए कि आपकी पतंग कहाँ तक उड़ान भर सकी है? अब की बार सिर्फ आसमान में सिर्फ और सिर्फ पतंग दिखलाई देगी, और इसकी ऊंचाई इतनी होगी कि जो कि सारे पतंगों के पेच काट देगी। किसकी काटने की बात कर रहे हैं सर? हमारी लड़ाई वो भारतीय जनता पार्टी से है, जो फिरका परस्ती फैला रही है, और उससे हमारी अहम लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आप भी तो उसमें सम्मिलित हैं? नहीं, हम सबसे ज्यादा इस मुल्क के अंदर, अगर हम संविधान की बात करने वाली कोई पार्टी है तो वो AIMIM है, अगर कोई लीडर है तो वो बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब हैं। सर लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पतंग कैसे काटेंगे? उसी की पतंग में तो आपकी भी पतंग लगाई बताई जाती है। ये आपके सवालात हो सकते हैं, मगर ये इसके जवाब ये नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ AIMIM लड़ रही, जबकि आज जिम्मेदारी है कांग्रेस के ऊपर, आज जिम्मेदारी है मुख्य विपक्षी दल जो प्रदेश की है वो समाजवादी पर, मगर ये कहाँ पर हैं? आप देखिए ये कहाँ हैं, आज ये कहीं आपको नजर नहीं आते हैं। इलेक्शन का टाइम आ गया, थोड़ी इनमें सरगर्मी नजर आई है, मगर इसके बावजूद अगर कोई अहम लड़ाई लड़ रहा है तो वो AIMIM लड़ रही है। ये आने वाले जिला पंचायत चुनाव में क्या आपकी पार्टी सिंबल से किसी को पार्टी लड़ा सकती है चुनाव? दबाव डालेगी सर? एकदम पूरे जिले में लड़ने की तैयारी है। हमारा जो भागीदारी मोर्चा बना हुआ है ओम प्रकाश राजभर जी की क्यादत में, वो अभी हो सकता है कि उसके अंदर जिला पंचायत के इलेक्शन में भी हम मिल करके लड़ेंगे, और जिला पंचायत के इलेक्शन हमारे लिए सेमीफाइनल इलेक्शन है। इमरान भाई ये बताइएगा कि अभी आपने ओम प्रकाश राजभर की बात की, कितने दल आपके साथ आने को इच्छुक हैं? देखिए 8 दल इस वक्त है, 9 दल हम हैं जो कि ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में जो बने हुए हैं भागीदारी मोर्चा। कृष्णा पटेल का भी नाम कहीं उसके अंदर, कृष्णा पटेल जी भी हैं और भी मुख्तलिफ कई पार्टियां हैं, और ये दायरा अभी बढ़ेगा, और जो यहाँ के जितने भी दल हैं जो अपने आप को इस उत्तर प्रदेश की सियासी ज़मीन को अपने बाप की संपत्ति समझती हैं, वो उनके ख्वाब को तोड़ा जाएगा, और इस बार असेंबली के इलेक्शन में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी है पूरे प्रदेश में? हम पूरे भागीदारी मोर्चा पूरे प्रदेश के अंदर इलेक्शन लड़ेगी। नहीं, आप व्यक्तिगत बताएं कि वो तो देखिए जब मुस्लिमीन कितने पे लड़ सकता है। देखिए अब तो चूंकि अभी तक 9 दलों का गठबंधन है, आगे ये गठबंधन और भी बढ़ेंगे। क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी शामिल है आपके गठबंधन में? देखिए इसकी जिम्मेदारी हमारे जो भागीदारी मोर्चा के जो नेतृत्व करता है ओम प्रकाश राजभर जी, ये सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, और वो किसको रखते हैं, किसके साथ अलायंस होते हैं, ये तय उनको करना है। जी धन्यवाद। जी शुक्रिया।
मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। 2019 में पूरे हिंदुस्तान में हमने सिर्फ तीन सीटों पर हमने इलेक्शन लड़ा, एक बिहार की, एक महाराष्ट्र का औरंगाबाद, एक बिहार का किशनगंज, एक हैदराबाद, जिसमें से हम दो सीटें कामयाब रहते हैं। यानी कि हम 75% से ज़्यादा एफर्ट हम देते हैं। तो अगर हम कहीं बीजेपी की बी टीम होते, हम बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में होते, तो हम तीन ही सीट पर इलेक्शन क्यों लड़ते। हम 500 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, हम वहाँ क्यों नहीं हम लड़े। असल में ये है कि इनकी सियासी ज़मीन वो खिसक रही है, चाहे वो समाजवादी हो विपक्ष में, चाहे वो कांग्रेस हो। इसलिए जब उनकी ज़मीन खिसकेगी तो वो अपने तमाम इल्ज़ाम लगाएंगे। बहरहाल जनता देख रही है, जनता का MIM पर भरोसा बढ़ता चला जा रहा है। सर, उन्नाव के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता साक्षी महाराज जी अभी एक बयान दिए थे, उसमें उन्होंने आपको अपना सहयोगी बताया कि ओवैसी हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हैं, बहुत ही अच्छा हमारा काम करते हैं। क्या कहना होगा इन बातों पर सर? देखिए, साक्षी महाराज जी ने इसके पहले, उनके बयान तो बड़े ही अच्छे अच्छे आते हैं और उनको कोई उत्तर प्रदेश क्या हिंदुस्तान या हो या उत्तर प्रदेश हो कोई सीरियसली नहीं लेता है। उन्होंने सोनिया गांधी जी को बार वाला कहा था, क्या कांग्रेस के लोग क्या उसको मानेंगे कि साक्षी महाराज जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। तो उनकी बात को सीरियस लेना एकदम गैर जरूरी है, कोई मतलब मायने की बात नहीं है। लेकिन एक प्रखर चेहरा तो है ही, वो भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का प्रखर चेहरा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बातों को डिनाई कर दिया, मुख्तार अब्बास नकवी ने उनकी बातों को डिनाई कर दिया। तो कहने का मतलब यह है, चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी से और साक्षी महाराज जी से बहुत अच्छे रिलेशन है, वो रिलेशन आप तमाम लोगों को देखने को भी मिला है। साक्षी महाराज जी को उठा करके मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी में सदस्यता दिलाई। कल्याण सिंह, देखिए बीजेपी और समाजवादी में कोई फर्क नहीं है, दोनों अगर समाजवादी पार्टी आपसे गठबंधन करेगी भविष्य में चलकर तो क्या आप कर लेंगे? देखिए हमारी जो सोच है कि हम इस मुल्क के अंदर संविधान को मानने वाले और सेकुलरिज्म पर भरोसा करने वाले, फर्जी सेकुलरिज्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सेकुलरिज्म पर भरोसा करने वाले और भारतीय जनता पार्टी से हराने वाले तमाम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है हम कोशिश करेंगे कि वो समान विचारधारा के दल एक साथ में आए। सर, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जिसमें पिछले कई वर्ष पहले आप भी कार्यरत रहे हैं सर, आप भी वहीं से निकले हुए हैं, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने, शाहगंज की बॉडी ने और राष्ट्रीय सचिव, उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये असदुद्दीन ओवैसी भारत का दूसरा जिन्ना है, क्या कहना होगा आपका इसका? देखिए असल में उलेमा काउंसिल और बीजेपी ये दोनों को अगर आप देखिएगा, अभी आमिर रशादी साहब के एक बयान, इन्होंने 2 साल पहले एक रैली किया था शाहगंज विधानसभा में, उस रैली में उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाऊंगा, और इसमें नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी से उनके बड़ी करीबी रिलेशंस हैं, तमाम मुकदमात हैं उनके ऊपर, सरकार बीजेपी की है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिल रहा है। सर, बाटला हाउस और भोपाल में जो कथित फर्जी इनकाउंटर बताया गया उस पर नहीं थे बटला हाउस में, आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस आप देख लीजिए, आप उनके जो है तो उस वक्त की तमाम जो उनके संघर्ष थे उसको देख लीजिए। और दूसरी बात, जो उलेमा काउंसिल ने जो इल्जाम लगाया है कि दूसरे जिन्ना है, यही बात तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, उनसे नेता कहते हैं यही बात कहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनसे और उलेमा काउंसिल और बीजेपी से ये अंदरूनी जबरदस्त पैट है, क्योंकि अपने मुकदमात से बचने के लिए, तमाम चीज़ों से करने के लिए उनकी नज़दीकियां बढ़ी हुई, ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं रह चुका हूं। अध्यक्ष जी, AIMIM में ऐसा क्या मिला आपको जो आपने उलेमा काउंसिल का दामन छोड़ के उसे मोहभंग कर दिया और आप इनका दामन थाम बैठे? देखिए उलेमा काउंसिल जिस वक्त में बनी थी, यकीनन उस वक्त में जिस तरीके से काम हो रहे थे, मगर एक और सच्चाई है कि उसके बाद उलेमा काउंसिल का कोई भी संघर्ष नहीं है। जो बटला हाउस के लिए किया वो आज जिनको भी जानकारी है, जो लोग भी जानते हैं उस चीज को सराहते हैं, मगर उसके बाद उनकी कोई खिदमत नहीं है। तो जब हमको लगा कि नहीं साहब कि अब यहाँ पर नहीं है, आज कहाँ संगठन बचा हुआ है, कहीं नहीं। बहरहाल हम, मुझे नहीं लगता कि उस पार्टी की बात करने से बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि उसके अपने वो खत्म हो चुके हैं। सर, क्या बोलते हैं? सर देखिए शिवपाल यादव जी, बहरहाल इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे इस मोर्चा जो बना हुआ है नौ दलों का,
उसके मुखिया है, वो जो समझेंगे वो करेंगे। तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के भी विषय में आप कुछ बता सकते हैं कि आपके सहयोग में रहेंगे या प्रदेश में वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य का सिंबल भी दे रहे हैं, तो उनके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए साहब, उनकी राजनीति दिल्ली की है, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी प्रदेश में भी वो आए, वेलकम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इस भारत के संविधान ने सबको हक हकूक दिया है, सारे जो भी दल हों वो आकर के इलेक्शन लड़ सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। साहब आप भी आइए। सर, जो शब्द आज आपने कहे हैं कि उनकी राजनीति दिल्ली की है, जब संजय सिंह जी से हम लोग रूबरू हुए थे, यही बात आपके चीफ के लिए उन्होंने हैदराबाद की राजनीति बताई थी। सर देखिए नेता बहुत सारे हैं, समाजवादी पार्टी मुख्य अपोजिशन की भूमिका में है, अखिलेश जी उसके नेता हैं, मायावती जी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी को लीड करती हैं, बसपा को, वो हैं, अरविंद केजरीवाल जी है, मगर राष्ट्रीय नेता में इनकी गिनती नहीं। तो राष्ट्रीय नेता अगर कोई है तो वो हमारा नेता सुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी जो छवि है वो राष्ट्रीय नेता है, वो नेता की है, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हैं। सर, बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे संजयपुर के लोग, जिसे आपकी पार्टी शहीद भी कहती है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब यही बगल में आए थे, संजयपुर क्यों नहीं गए? देखिए असल में असदुद्दीन ओवैसी साहब का यहाँ पर जो आने का जो कार्यक्रम था वो आगामी रणनीति को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी से एक भेंट करना था। अब रही बात कि आप तमाम लोग मीडिया के बंधु जानते हैं कि किस कदर वहां पर गैदरिंग थी, कितनी उनसे मोहब्बत करने वाले लोग सड़कों पर थे। अब आप तस्वूर करिए कि अगर वो जाते हैं तो उसमें शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं उसके भी हाथ पांव फूल रहे थे। तो इसलिए, और अभी तो ये रास्ता खुला है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे आज बीजेपी हो, यह हमारे नेता को आने नहीं देना चाहती। और अब जो है हमने अपने नेता को आने के लिए रास्ता खोला है। हम संजरपुर क्या, जो एक एक जो भी मजलूम है पीड़ित है, हम उनके घर जाएंगे, अब जाएंगे, एकदम जाएंगे। शुक्रिया साहब। इधर हो सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।